हाय गाइज, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर लोकेश, स्वागत करता हूं आप सभी का। क्या हाल चाल है साथियों? 25% का डिस्काउंट ऑफर चल रहा है आप लोगों के लिए। ये सबसे तगड़ी सूचना सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए लेकर आया। ये ऑफर आपके लिए वैलिड है, जिसमें आपको 25% का इस समय आपको डिस्काउंट मिल रहा है। अनअकैडमी पर मुझे कार्यरत लगातार 3 साल हो गए हैं। मैं लगातार 3 या 3 साल से अधिक समय से अनअकैडमी पर आप लोगों के को मार्ग प्रशस्त कर रहा हूं। आज तक मैंने इतना बड़ा ऑफर नहीं देखा जो पहली बार अनअकैडमी पर आया है। रेफरल कोड आपको लोकेश 11 लगाना है। रेफरल कोड लोकेश 11 लगाने से आपको 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अच्छा, मुझसे पूछोगे कि सर कौन सा ज्वाइन करना चाहिए, मैं ये कहूंगा कि यार आप 12 मंथ का ज्वाइन कर लो, सबसे बेस्ट है ये, सस्ता भी अच्छा भी। अब हम देख लेते हैं साथियों सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में, कि पंत जी के बारे में पंत जी का क्या क्या मानना है। पंत जी कहते हैं कि कविता करने की प्रेरणा मुझे प्रकृति निरीक्षण से मिली। अब आपके पास में सीधा एक कथन आ सकता है कि कविता करने की प्रेरणा मुझे प्रकृति निरीक्षण से मिली है, निम्नलिखित में से ये कथन किसका है? तो ये साथियों पंत जी का ये कथन है। किसका है ये कथन? पंत का है। ओके, देखो मैं आपको वही चीज पढ़ाता हूं जो आपके एग्जाम में आती है, ना मैं एक्स्ट्रा चीज खुद पढ़ता हूं ना खरपतवार पढ़ाता हूं। देखो ज्ञानी बनने के लिए पूरा उम्र पढ़ा है, अभी आपको ज्ञानी बनने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञानी बनने के लिए आपकी पूरी उम्र पड़ी है साथियों, पूरी। आप ज्ञानी बनना, जब आप कॉलेज में प्रोफेसर बन जाओ तब आपके पास काम क्या है? कुछ और कोई काम है ही नहीं। सोफा तोड़ने का काम है और ज्ञानी बनने का काम है, बस सोफा तोड़ते जाओ और ज्ञानी बनते जाओ। तो अभी हमको वो काम करना है जिससे हमारे एग्जाम पास हो जाए, बस इससे ज्यादा हमको कुछ नहीं करना है। अभी हम उस काम को करेंगे जिससे बस हमारी एग्जाम पास हो जाए। छायावाद काव्य ने रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया है, ये बात भी पंत जी कहते हैं। पंत जी कहते हैं कि छायावाद काव्य ना होकर एक अलंकृत संगीत बन गया है। इस बात को कौन कहते हैं साथियों? इस बात को कहते हैं पंत जी। कौन कहते हैं इस चीज को? पंत जी कहते हैं। तो ये सब दोनों पंक्ति साथियों मोस्ट हैं, तो आप लोग इसका थोड़ा सा ख्याल रखना कि ये दोनों पंक्ति साथियों यहां पर मोस्ट है। आगे बढ़ते हैं। कविता के लिए चित्र भाषा की आवश्यकता पड़ती है, उसके शब्द सेस्वर होने चाहिए, जो बोलते हो, जो अपने भावों को अपनी ध्वनि में आंखों के सामने चित्रित कर सके। यह पल्लव की भूमिका में पंत जी ने कहा है बात। अब देखो मेरी बात, आप लोग जब पढ़ाई करते होंगे तब आपके सामने बहुत बड़ी समस्या यह रहती होगी कि आपका जो मेटीरियल है ना वो एक जगह नहीं मिलता होगा आपको, आपको मैटर एक जगह नहीं मिलता हो कि कोई पंक्ति कहां कोई पंक्ति कहां। लेकिन मैंने यहां पर क्या किया है कि मान लो निराला क्या कहते हैं उसको एक जगह रख दिया, पंत ने क्या क्या कथन के महत्वपूर्ण रखे वो एक जगह रख दिए, राम कुमार वर्मा ने क्या कहे वो एक जगह कर दिए, और रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा वो एक जगह कर दिया। ये चीजें ही हमारी एग्जाम में हमको और लोगों से कई कदम आगे लेकर जाती है, इसलिए इन चीजों को हमको ढंग से एक बार पढ़ना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। हाँ भाई सुनो, मेरी बात सुनो, आज आपको 1000 क्वेश्चनों की पीडीएफ मिल गई है। क्या आपको पीडीएफ मिल गई 1000 क्वेश्चनों की? गाइज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो वेरी वेरी मोस्ट जो 1000 क्वेश्चन का पीडीएफ था वो मिल गया आपको? और दूसरा जो रिसर्च की पीडीएफ, क्या आपको रिसर्च की पीडीएफ मिल गई है? जो पीएचडी के एडमिशन में काम आने वाली रिसर्च थी वो उसकी पीडीएफ मिल गई आपको साथियों? क्या आपको ये दोनों चीजें मिल गई हैं? वेरी गुड, दोनों मिल गए हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। पंत जी कहते हैं कि मधुशाला की मादकता अक्षय है। अगर ये पंक्ति डायरेक्ट आ जाए तो आपको ये लगेगा ये पंत जी ने नहीं कहा है, ये कहा है हरिवंश राय बच्चन ने, लेकिन मधुशाला की मादकता जो कथन है वो पंत जी का है। भाषा संसार का
नाद में चित्र है, ध्वनि में स्वरूप है, ये साथियों किसका है? पल्लव में। ये चीजें कितने कही है? पंत जी ने कही। अब आपने साथियों मुक्ति बोध का तो नाम बहुत सुना होगा, मुक्ति बोध के बारे में बहुत पढ़ा होगा। आइए हम मुक्ति बोध के कुछ अच्छे अच्छे कथनों को पढ़ लेते हैं। क्या कहते हैं मुक्ति बोध? कहते हैं कि मैं मुख्यतः विचारक न होकर केवल कवि हूं। मोस्ट है, पढ़ लो आप इसको एक बार, पढ़ो सब साथ ही, सबके सब पढ़ियो। ओके भाई कुलदीप कौर, दोनों पीडीएफ मिल गए ना आप लोगों को, वेरी गुड। काव्य एक सांस्कृतिक प्रक्रिया है मुक्ति बोध। देखो अब पढ़ाई पहले जैसी नहीं रही है कि आप एमसीक्यूज पढ़ते जाओगे और आप कहानी कविताओं में से आपका पेपर आ जाएगा। अगर ऐसी सोच सोचते हो तो आप गलत सोचते हो। हिंदी साहित्य अब पूरी तरीके से बदल चुका है। अब आपके सामने कथन आते हैं जैसे अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने होंगे। ये मोस्ट कथन है, मतलब मुझे लगता है कि इससे कोई मोस्ट कथन कोई हो ही नहीं सकता मुक्ति बोध का, कि अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने होंगे। ऐसे कथन आजकल आने लगे हैं एग्जाम्स और इनको पूछा जाता है डायरेक्ट। और आप लोगों के लिए क्या कि ये कथन बोरिंग लगते हैं आपको और आप क्लास छोड़कर चले जाते हैं। इनफैक्ट बहुत से लोग चले जाएंगे या चले गए होंगे, लेकिन ये आज की एग्जाम की सच्चाई है कि क्वेश्चन यहीं से बनता है। और मैंने इनको एक साथ असेंबल किया है, एक साथ जोड़ा है इनको बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए, ताकि मैं पढ़ा सकूं। मुक्तिबोध कहते हैं कि नई कविता वैविध्य जीवन के प्रति आत्मचेतन की प्रतिक्रिया है। एक बार पढ़ो आप सब लोग, मैं एक मिनट का समय दे रहा हूं, 30 सेकंड, एक मिनट का समय दे रहा हूं, 60 सेकंड का समय दे रहा हूं, पढ़ो सबके सब, इसको पढ़ो, इनको पढ़ो, इसको पढ़ो, सबके सब पढ़ो। देखो जिस भी दोस्त को क्लास करनी है अनअकैडमी पर, वो लॉकेस 11 कोड लगाकर ज्वाइन करे। अभी डिस्काउंट भी चल रहा है आज रात 12 बजे तक, आज रात के 12 बजे तक 20% का डिस्काउंट प्लस 6 महाज्ञ के कौन कौन से महत्वपूर्ण कथन है। यकीन मानो मैं चैलेंज करता हूं, ऐसा कंटेंट आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा जिसमें सारी चीजों को एक साथ समाहित कर दिया हो। ऐसा कंटेंट आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, मैं वादा करता हूं आप लोगों से, जिसमें एक साथ पूरी चीजों को ले आया गया हो, कि एक साथ कथन कथन लिख दिया हो सारे। ये बिल्कुल रामबाण औषधि है जो मैं बता रहा हूं एग्जाम के टाइम पर। बस पढ़िए। अज्ञे जी कहते हैं कि मुझे विश्वास है विद्रोही बनते नहीं उत्पन्न होते हैं। देखो कितनी मोस्ट बात है ये, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि अज्ञे जी कहते हैं कि मुझे विश्वास है विद्रोही बनते नहीं उत्पन्न होते हैं। वाह अज्ञे जी अगली बात कहते हैं कि दुख सबको मांझता है। क्या कहते हैं अज्ञे जी? दुख सबको मांझता है। जो दुख में आदमी क्या होता है, निखर कर आता है, आदमी को लड़ने की परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति उसमें आ जाती है। तो क्या कहते हैं साथियों? दुख जो है आदमी को मांझता है, स्ट्रांग बनाता है। अगली बात क्या कहते हैं अज्ञे जी? कहते हैं सप्त को, जो तार सप्तक हुए थे, तार सप्तक कितने हैं? तार सप्तकों की संख्या कितनी है साथियों? तार सप्तक हुए थे, उनके बाद की हिंदी कविता नई कविता कहलाती है। यार आज लोग आप वीडियो शेयर कर दो यार, आज हम रात में पढ़ रहे हैं, आज हम तत्वों पर बल उनका सात्विक मूल्यों का आग्रह है, उन्हें परंपरा पारंपरिक रीति से जोड़े रखता है। एक मिनट का समय दे रहा हूं, पढ़ो जल्दी से दोबारा। देखो दो दो बार रीड करना है इनको। वो कह रहे थे करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, और रसरी आवत जात ते मिल सिल पर पड़त निशान। बहुत बढ़िया, बड़ी संख्या में लोग जुड़ते हुए। और साथियों
ये जो क्लास है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां पर मैंने हिंदी साहित्य के जितने भी कथन है उनको एक साथ समाहित कर दिया है और वो एक साथ हमारी एग्जाम में आएंगे। अब हम बात करते हैं साथियों हरिवंश राय बच्चन के कुछ महत्वपूर्ण कथनों की जो हमारी एग्जाम्स में बारी बारी से मिलेंगे। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा साथियों, टेलीग्राम चैनल है डॉक्टर LOKESH डॉक्टर लोकेश BALI अनअकैडमी। डॉक्टर लोकेश बाली अनअकैडमी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। चलिए हरिवंश राय बच्चन कहते हैं साथियों कि दिनकर जी को एक नहीं बल्कि गद्य पद्य भाषा और कविता भाषा और हिंदी सेवा के लिए अलग अलग ज्ञान पुरस्कार दिए जाने चाहिए। दिनकर जी से प्रभावित होकर राष्ट्रकवि दिनकर जी से प्रभावित होकर हरिवंश राय बच्चन ने कहा था कि दिनकर जी को एक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिलना चाहिए बल्कि उनको चार अलग अलग ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलना चाहिए। एक है साथियों गद्य के लिए, एक है पद्य के लिए, एक है भाषा के लिए और चौथा है साथियों हिंदी की सेवा करने के लिए। थैंक यू सहजादी खातून, थैंक यू भाई, बहुत बढ़िया। अब आ गए साथियों रामधारी सिंह दिनकर के कथनों के ऊपर। आइए अब हम जान लेते हैं रामधारी सिंह दिनकर झोपड़ी से संसद तक के कुछ महत्वपूर्ण कथन जो आपके एग्जाम में सीधे आपसे पूछे जा सकते हैं। कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, इस पंक्ति को कहने वाले कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर साथियों इसको कहने वाले थे, दिनकर जी कहने वाले थे राष्ट्रकवि कि कविता को एक देखो हमारे जो पंत जी हैं, हाँ कविता को कवि की आत्मा का आलोक कहा जाता है, एक पंक्ति। दूसरी पंक्ति क्या कहते हैं? मैं कविता को जीवन तक पहुंचाने की सबसे सीधी और सबसे छोटी राह मानता हूं, वह मस्तिष्क की नहीं हृदय की राह है। इस पंक्ति को पढ़िए, मोस्ट है। अगली पंक्ति जो रामधारी सिंह दिनकर की है, चित्रकारी और बिंब बिना कविता को खूबसूरत तो बनाती है, चित्रकारी और बिंब बिना कविता को खूबसूरत तो बनाती है लेकिन कविता की शक्ति किसी ऐसे दिशा में जाती है, कोरे बिंबों का खेल कोरी आतिशबाजी का काम है। इस बात को कौन कहते हैं? रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं। यकीन मानिए साथियों ये पंक्तियां आपके लिए कोई रामबाण औषधि से कम नहीं, यकीन मानो। एक एक क्वेश्चन, एक एक पंक्ति कब एक क्वेश्चन का रूप धारण करके आ जाए ये किसी को आइडिया नहीं है। इसलिए थोड़ा सा विशेष ध्यान देकर आप इस टॉपिक को पढ़िए। अगली पंक्ति है साथियों, चिंतन की अपेक्षा कर्म सत्य के अब अधिक समीप होता है दिनकर। दिनकर कहते हैं कि चिंतन की अपेक्षा कर्म सत्य के अधिक समीप होता है, इस बात को ध्यान रखो। आगे साथियों समालोचना काव्य की अंतरधारा का विश्लेषण है। क्या है? समालोचना काव्य की अंतरधारा का विश्लेषण। उसके बाद में आगे देखिए, नई कविता का मंसूबा सूत्र शैली में बोलने का मंसूबा है। चलिए मैं आपको 60 सेकंड का समय दे रहा हूं, इन पंक्तियों को आप अपने मन में एक बार मनन करोगे। 60 सेकंड का मैं विराम दे रहा हूं, आप मनन करो इनको। चलो साठ सेकंड तक मनन करो, जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार अच्छा है।
चलिए आपने पढ़ लिया होगा, वेरी गुड। दो पंक्ति और रह गई हैं दिनकर जी की, उनकी और पढ़ लीजिए कि हिंदी के सारे कवियों के बीच घनानंद ही अपने आंसुओं में रो रहे हैं, किरायों के आंसू से नहीं। ये भी साथियों किसकी है? दिनकर की पंक्ति है। दिनकर कहते हैं घनानंद के बारे में कि इतने सारे कवियों के बीच घनानंद ही अपने आंसुओं से रो रहे हैं, किराया के आंसुओं से नहीं। अगली बात कहते हैं कि मैं प्रयोगवाद का अगवा नहीं पिच लगवा हूं। क्या कहते हैं? मैं प्रयोगवाद का अगवा नहीं पिच लगवा हूं। इस चीज को कौन कहते हैं साथियों? इस चीज को कहते हैं आपने कौन? दिनकर जी कहते हैं इस चीज। अब कहते हैं डॉक्टर नगेंद्र। अब साथियों डॉक्टर नगेंद्र की एक बार रीड करो, खुद से रीड करो और फिर मैं आपको बतलाने वाला हूं। डॉक्टर नगेंद्र के बारे में पढ़ो एक बार, फटाफट से रीड करो खुद के मन में। सर मैं पॉलिटिकल साइंस, अगस्त में 100% एग्जाम होगा, बस थोड़ा सा डिले हो सकता है। इतने कमेंट्स मत करो। केसी क्रिएशन, केएस क्रिएशन, सारी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी, जिसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है डॉक्टर लोकेश वाली अनअकैडमी, डॉक्टर लोकेश वाली अनअकैडमी टेलीग्राम चैनल का नाम है। चलिए कविता को पढ़ते हैं साथियों। डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं? कवि की अवधारणा मेधा की प्रतिभा है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं जो कवि की असाधारण मेघा की प्रतिमा, मैंने क्या पढ़ दिया पिछली बार, मुझे आइडिया नहीं है। कवि की असाधारण मेधा ही प्रतिभा है, ये डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं। डॉक्टर नगेंद्र अगली बात कहते हैं प्रेमचंद के बारे में कि प्रेमचंद के साहित्य का सर्वत्र शिव का शासन है, सत और सुंदर शिव के अनुचर होते हैं। इस बात को कौन कहते हैं? डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं। डॉक्टर नगेंद्र अगली बात कहते हैं कि भक्ति काल की वेगवती धारा को रीति पथ पर मोड़ने के लिए प्रभावशाली व्यक्तित्व की आवश्यकता थी, प्रतिभा के पृष्ठ ऐसे व्यक्तित्व केशव का था। साथियों ऐसा व्यक्तित्व किसका था? केशव का था। केशव के बारे में कहते हैं डॉक्टर नगेंद्र, कहते हैं भक्ति उनके लिए मनोवैज्ञानिक आवश्यकता थी। 30 सेकंड के समय है, एक बार आपने इसको पहले पढ़ लिया होगा, वेरी गुड। इसको मैंने पढ़ने के लिए पहले आपको समय दे दिया था। गुरुओं के गुरु हजारी प्रसाद द्विवेदी, आइए कुछ चीजें अब हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में हम पढ़ लेते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी के कथनों को जान लेते हैं। आजकल के समय में कथन ही साथियों सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं आइए समझ लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं नारी शरीर देव मंदिर की भांति पवित्र है। क्या कहते हैं? जो नारी का जो शरीर होता है ये देव मंदिर की भांति पवित्र है। यार इस चीज को मैं आज के जमाने में बहुत ही ज्यादा मोस्ट मानूंगा। कारण समझो क्यों? हमेशा स्त्रियों को साथियों आपने देखा होगा कई ऐसे मंदिर हैं वहां पर स्त्रियों का प्रवेश भी वर्जित है, और यहां पर स्त्री के शरीर को ही मंदिर देव मंदिर से भी पवित्र माना है, उसकी भांति पवित्र माना। ऐसे बहुत कम कवि
ऐसे बहुत कम लेखक हुए हैं जिन्होंने स्त्री को इतना पवित्र माना। लेकिन साथियों यहां पर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि जो स्त्री का जो शरीर है वो देव मंदिर की भांति पवित्र है। यार मैं तो इसको 5 स्टार देने वाला हूं, आप क्या दोगे मुझे आइडिया नहीं है। ये 5 स्टार क्वेश्चन है, इसको आपको बिल्कुल अपने घट में बिठा लेना है। बिल्कुल ये आपको हर स्थिति, हर परिस्थिति, हर सूरत में, हर मुहूर्त में आपको इसको करना है कि भाई इसका सही आंसर क्या है। ठीक लिया, आगे देखते हैं अगली बात क्या है। यहां देखो, शानों के स्पर्श से सिंह किशोरी कलुषित नहीं होती। क्या थे शानों के, शान का मतलब होता है शाल, शारो, शार का मतलब शार एक जानवर होता है। सिंह किशोरी कलुषित नहीं होती, यानी कि जो युवा सिंगनी है, युवा यानी किशोर अवस्था में जो सिंगनी है, जिन्होंने कोई शेर के साथ मतलब गमन नहीं किया हो, यानी जो किशोर अवस्था की जो सिंगनी है, अगर शार उसको स्पर्श भी कर जाते हैं ना, तो वो साथियों कलुषित या अपवित्र नहीं होती। ये नारियों के बारे में ही ये बात उन्होंने, किसने कही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बात कही है। कई पुरुषों के चरित्र प्रमाण पत्र इन औरतों के इनबॉक्स में गिरवी पड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैं सहमत हूं आपकी बात से साथियों दोस्तों, बिल्कुल ऐसा है, लोगों की मानसिकता इस तरीके की है। चलिए अगली बात को देखते हैं साथियों, कि रीतिकालीन नारी विलास का एक उपकरण मात्र है। क्या है, रीतिकालीन जो नारी है जो विलास का एक उपकरण मात्र है, उसको विलास का एक उपकरण माना गया है। इस पंक्ति को जरूर से देखो कि प्रेमचंद शताब्दियों से पद दलित अपमानित और अपेक्षित कृषकों की आवाज थे। अगली पंक्ति है कि यहां नारी कोई व्यक्ति या समाज के संगठन की इकाई नहीं, यथा संभव मुक्ति विलास का एक उपकरण मात्र। आप इन पंक्तियों को अपने मन में मनन करो, 1 मिनट का समय दे रहा हूं, मनन करो सबके सब, करो मनन, मनन करो अपने मन में। ये वो कड़वी औषधि है जो पढ़ने में कड़वी लग रही होगी लेकिन सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाएगी, ये मेरा वादा है। ये साथियों सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाएगी आपके, उसमें भले ही आपको एक कड़वी लग रही हो अभी, लेकिन ये सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाएगी ये चीज। ग्रेट, पढ़ लिया, वेरी गुड। देखो एक पंक्ति और है कि लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, कबीर तुलसी। शिव द्रोही मम दास कहावा और वो नर मोए सपने नहीं भाव। भगवान राम के माध्यम से कहलवाते हैं तुलसी कि जो शंकर को मानने वाले लोग हैं, जो मुझे मानते हैं, और अगर वो शंकर से नफरत करते हैं, शिव से नफरत करते हैं, शैव से नफरत करते हैं, शिव द्रोही मम दास कहावा और वो नर मोहे सपने नहीं भाव। यानी ऐसे मेरे भक्त जो शिव का विरोध करते हैं वो मेरे भक्त कदाचित नहीं हो सकते। ये समन्वय है, अगुनई सगुनई नहीं कसु भेदा, इस समन्वय की बात करती हैं सब लोग, अगुनई सगुनई नहीं कसु भेदा, ये सब चीजें सम वो की बात करती है, समन्वय की बात करती है। और लोकनायक वही होता है जो समन्वय की बात करता है। अगली पंक्ति है,
गोरखनाथ अपने युग के सबसे महान धर्म नेता थे, उनकी संगठन शक्ति अपूर्व थी। अगली बात है कि वे हिंदी भाषा जनता में भी बहुत लोकप्रिय थे, क्योंकि हिंदी उनका हिंदी प्रेम दूसरों की अपनी मातृभाषा के प्रति श्रद्धा और प्रेम का विरोध नहीं बल्कि प्रेरक का काम करता है। चलिए द्विवेदी क्या कहते हैं, द्विवेदी कहते हैं कि यदि हार्दिक भावों की प्रेरणीयता काव का उत्तम गुण है तो निसंदेह रैदास के भजन इस गुण से समृद्ध है। रैदास के बारे में ये बात कही है साथियों, किसने? हाँ, ये बात रैदास के बारे में हो रही है। अगली बात द्विवेदी कहते हैं कि निराला की रचनाएं साधारण पाठकों को तो दुर्लभ मालूम होती ही हैं, उनके प्रशंसकों को भी कभी कभी दुरूह लगती। पढ़िए दोनों पंक्तियों को, थोड़ा सा समय दे रहा हूं मैं आपको, पढ़िए। छायावाद के महान समीक्षक नामवर सिंह, छायावाद के महान समीक्षक नामवर सिंह क्या कहते हैं, आइए इसके बारे में एक बार हम बात कर लेते हैं। क्या कहते हैं नामवर सिंह? वह विजय तिवाड़ी के सर आज क्लास नहीं ले पाऊंगी, गांव में लाइट नहीं है, बारिश हो रही है। हाँ यार, ये तो बड़ी समस्या। क्लिक करके जो आपकी सेटिंग में जाकर वीडियो क्वालिटी को 480 कर लो, आपको ठीक दिखने लग जाएगा। इंटरनेट स्लो हो गई इसलिए नहीं दिख रही है। देखो क्या है कि आजकल की जो एग्जाम आती है, जब मान लो कि एक समय ऐसा आएगा आपके पास कि जब आप प्रोफेसर बन जाओगे, आपकी मान लो उम्र हो गई है, 50-55 के हो गए हो, 55 से 60 के बीच में हो, तो उस समय घर में भी आपकी भीड़ ही होगी। बच्चे हो जाएंगे, बहू बेटे आ जाएंगे, तो घर में उनके लिए प्राइवेसी का माहौल खराब हो जाएगा कि यार यहीं पिताश्री माताश्री यहीं रहते हैं, पूरे दिन खांसते रहते हैं, खकारते रहते हैं, हमें ये नहीं करने देते, हर चीज में टोका टाकी करते रहते हैं, ये है वो है ये। तो उस समय आप एक अलग जोन में चले जाओ, तो उस समय आप आराम से बैठकर ज्ञानी ही बनना, आराम से सोफा तोड़ते तोड़ते। अभी आप वो काम करो जिससे एग्जाम पास हो जाए। ज्ञानी बनने का समय नहीं है ये, एग्जाम पास करने का समय, समझ रहे हो ना आप? बाद में पढ़ना ज्ञानी। नामवर सिंह महान छायावादी समीक्षक, कल्पना कवि कानन की रानी है। छायावाद की समीक्षा में कहा था उन्होंने, जो कल्पना है वो कवि कानन की रानी है। एक मोस्ट बात नामवर सिंह की कि दिनकर जी सचमुच ही अपने समय के सूर्य की तरह तपे, मैंने स्वयं उस सूर्य का मध्यान्ह भी देखा है और उसका अस्त होना भी देखा है। वे सौंदर्य के उपासक और प्रेम के पुजारी थे। कौन थे साथियों? दिनकर जी के बारे में ये नामवर सिंह का कथन। श्वेता का कमेंट नहीं देखता, श्वेता मेरा कमेंट है देवी श्वेता। सर प्लीज कमेंट, सर प्लीज कमेंट। देखो, अनएकेडमी पर अगर फुल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं आप, तो रेफरल कोड लोकेश 11 लगा लिया करो। लोकेश 11 कोड लगाने से आपको साथियों फुल कोर्स ज्वाइन करने में आसानी होगी। चलिए रामविलास शर्मा के बारे में पढ़ लेते हैं। वर्ण भेद के आधार पर भक्ति काल की व्याख्या नहीं की जा सकती। ये कितनी बड़ी बात कही है कि वर्ण भेद के आधार पर भक्ति काल की व्याख्या नहीं की जा सकती। मैं आपको रामविलास शर्मा और विनय मोहन को पढ़ने के लिए 1 मिनट का समय देता हूं, 1 मिनट का समय दे रहा हूं। फटाफट अपने मनन करो, मनन चिंतन करो, मन में पढ़ो। मैं पानी पीने जब तक। पता नहीं आप मेरे मेल को बहुत टाइम से देखती हूं। नहीं, श्वेता भाई दोबारा कमेंट कर दो। क्या कमेंट है आपका? मैं अभी देख रहा हूं, अभी मेरे सामने मोबाइल रखा है, आप चिंता ना करें।
बिल्कुल आप चिंता ना करें, मैं उसी चीज में लग रहा हूं। रामविलास शर्मा कहते हैं कि निराला के राम तुलसी के राम से भिन्न और भवभूति के राम के निकट है, मोस्ट। मैं कह रहा हूं दो तीन बार पढ़ लो इस पंक्ति को। रामविलास शर्मा का कथन है कि राम निराला के राम, निराला के राम, देखो इधर देखें, निराला के राम तुलसी के राम से भिन्न और भवभूति के राम के निकट हैं, मोस्ट। इससे बेहतरीन पंक्ति नहीं हो सकती। रामविलास शर्मा का कथन है ये। विनय मोहन शर्मा के कथन है कि छायावाद ने महादेवी को जन्म दिया और महादेवी ने छायावाद को जीवन दिया। एक बहुत बड़े सितारे हैं राम कुमार वर्मा। आइए अब हम राम कुमार वर्मा के कथनों पर नजर दौड़ाते हैं कि कौन कौन से कथन हैं जो महत्वपूर्ण हैं राम कुमार वर्मा के लिए। राम कुमार वर्मा कौन कौन से कथन को महत्वपूर्ण मानते हैं? रिसर्च वाले, हिंदी वाले सारे नोट्स मैंने टेलीग्राम पर भेज दिए हैं। परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, ये साथियों कौन कहते हैं? राम कुमार वर्मा। भक्ति काव्य के बारे में, भक्ति क्या है? जब परमात्मा की छाया आत्मा में, आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, ये कथन किसका है? ये कथन है साथियों रामविलास शर्मा का। किसका है ये कथन? साथियों रामविलास शर्मा का कथन। आइए अगले कथन को देखते हैं। अगले कथन को देखते हैं कि इसमें जहां एक ओर ईश्वरवाद की निश्चित धारणा उपस्थित की गई है, वहीं दूसरी ओर विकृत करने वाली समस्त परंपरागत कड़ियों पर आघात किया गया है। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये कड़वी दवा है। जब आप पढ़ोगे तो कड़वी लगेगी लेकिन असर करेगी। कुछ लोग हैं राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र, इन लोगों के कथन बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। इसलिए मैं आपको आज क्रम से जो क्वेश्चन आते हैं, एक तो उनको समझाने वाला हूं और कथन को समझाने वाला हूं। मैडम आगे कैसे हो आप सभी? मैडम जो आपने वो डाला था नोटिस, वो मेरे ख्याल से ठीक नहीं है, वो कहीं इधर विधर से गलत नोटिस आया है, वो ठीक नहीं है सभी वो। तो मैंने अभी 3-4 वेबसाइट पर देखा है तो मैं पुष्टि नहीं कर पाया उसकी। चलिए चलिए बाल मुकुंद गुप्त को हम लोग पढ़ लेते हैं। हिंदी साहित्य के आकाश में हरिश्चंद्र के उदय होने के थोड़े ही दिन पश्चात ऐसा चमकता हुआ तारा उदय हुआ था जिसकी चमक दमक को देखकर दूसरा चंद्र कहने लगे थे। ये बात प्रताप नारायण मिश्र के बारे में बाल मुकुंद गुप्त कहते हैं। नेहा कह रही है कोई पॉलिटिकल साइंस का टीचर बता दीजिए। देखो नेहा, यूट्यूब पर तो बेटा मैं कोई पॉल साइंस के टीचर को नहीं जानता, लेकिन मैं अनअकैडमी पर पढ़ाता हूं और अनअकैडमी पर पॉल साइंस के टीचर हैं, जैसे प्रीति मैडम है और भी कई सर्जन के नाम मुझे याद नहीं आ रहे, मैं उनको पर्सनली आपको उनके बारे में बतला दूंगा। वहां पर बेटा फुल कोर्स आपको करना पड़ेगा, आपको फुल कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। सभी मैडम को नमस्कार बोल रहे हैं, दुआ सलाम बोल रहे हैं सबके सभी, सारे दोस्त ही मैडम को नमस्कार और दुआ सलाम साथियों बोल रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी के कुछ कथनों के बारे में। महावीर प्रसाद द्विवेदी के कथनों के बारे में हम बात कर लेते हैं। मैं तो सरल भाषा के लेखक को सबसे बड़ा लेखक मानता हूं, महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि मैं तो सरल भाषा के लेखक को सबसे बड़ा लेखक मानता हूं। महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं
कि अर्थ सोमरस ही कविता का प्राण है, अर्थ सोमरस ही कविता का प्रमाण है। अच्छा, मैं एक मिनट का आपको समय देता हूं और मैं कुछ चीजों को फिर से आपको चिंतन मनन करने के लिए कहता हूं। रुक जाइए। अरे भाई, कहां से पढ़ते आ रहे हैं हमको? तो हमने बहुत चीज पढ़ दी यार आज। हजारी प्रसाद द्विवेदी पढ़ दिए, रामविलास शर्मा पढ़ लिया, राम कुमार वर्मा पढ़ लिया, बाल मुकुंद गुप्त पढ़ लिया। अरे भाई, बहुत चीज हमने साथियों यहां पर पढ़ ली। चलिए अब हम बात करेंगे साथियों धर्मवीर भारती के बारे में, कि धर्मवीर भारती क्या कहते हैं। धर्मवीर भारती कहते हैं कि प्रयोग करने आपके इष्ट नहीं है, प्रयोग करना आप में इष्ट नहीं है, वरन वह दोहरा साधन है। एक तो वह उस सत्य को जानने का साधन है जिसे कवि प्रेरित करता है, दूसरा वह उस प्रेषण क्रिया को और अपने साधनों को जानने का साधन। आप खुद पढ़ो इसको, मोस्ट है। अब आ गया हूं साथियों रामचंद्र शुक्ल के ऊपर। ये अकेला एकमात्र ऐसा व्यक्ति है हिंदी साहित्य में, रामचंद्र शुक्ल अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिसमें से भी कम 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कम से भी कम 20 प्रश्न पूछे जाएंगे रामचंद्र शुक्ल में से। रामचंद्र शुक्ल एक ऐसे व्यक्ति हैं जो 20 क्वेश्चन यहां से सीधे तौर पर पूछे जाएंगे। वैसे तो मैंने पहले एक क्लास में रामचंद्र शुक्ल को पढ़ा दिया था, आप कहो तो रामचंद्र शुक्ल को पढ़ें, पर मैं कहूंगा आप खुद पढ़ो, जितना जल्दी हो सके आप इसकी एक बार मनन करो, फटाफट अपने मन में पढ़ो, जल्दी 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 पढ़ो मन में। चलिए जल्दी, बढ़िया जल्दी। ये अकेला एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसके 100 क्वेश्चन अगर आते हैं तो 20 क्वेश्चन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से रामचंद्र शुक्ल के आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ही आपको पढ़ा देता हूं कि यदि प्रबंध काव एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता, रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि भाषा के लक्षण और व्यंजक बल की सीमा कहां तक है, इसकी पूरी परख उन्हीं को थी। घनानंद के बारे में कहते हैं रामचंद्र शुक्ल। पढ़ते जाइए, अकेला ही 20 क्वेश्चन आएंगे, यकीन मान लो। आज मैंने जो आपको क्वेश्चन करवाए ना, उसमें से 25 से लेकर 30 क्वेश्चन उनमें से मिलेंगे, देख लेने भले ही, वादा करता हूं मैं आप लोगों को। अकेले 20 क्वेश्चन तो रामचंद्र शुक्ल के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से संबंधित आ जाते हैं हर एग्जाम में, और मैंने रामचंद्र शुक्ल के मोस्ट कथनों को एक साथ लाकर रख दिया है आप लोगों के लिए। चलिए, भाषा के लक्षण और व्यंजक बल की सीमा कहां तक है, इसकी पूरी परख घनानंद को थी, रामचंद्र शुक्ल। घनानंद के बारे में कहते हैं कि भाषा के लक्ष्य और व्यंजक की सीमा कहां तक है, इसकी पूरी परख घनानंद को थी। सूर वात्सल्य है और वात्सल्य ही सूर है, रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं सूरदास की भक्ति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग है। एक साथ मैंने सभी चीजों को यहां पर ले आया हूं, मैंने नोट्स थे, नोट्स, उन नोट्सों को एक साथ टाइप करवा लिया है। सूरदास किसी चली आती हुई गीति काव परंपरा का, चाहे वे मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। साधन के क्षेत्र में जो भ्रम है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद। छायावाद कहे जाने वाले कवियों में महादेवी ही रहस्यवाद के भीतर रही है, ये रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं हम रामचंद्र शुक्ल के उनको कथनों को, क्योंकि एक क्लास में मैं इनको पहले भी पढ़ा चुका हूं, पर नए छात्र बहुत ज्यादा हैं। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो पेपर 1 पढ़ना चाहते हैं मुझसे?
आप में से कितने लोग हैं जो पेपर वन पढ़ना चाहते हैं मुझसे? कितने लोग हैं आप में से जो पेपर वन पढ़ना चाहते हैं मुझसे? कमेंट्स करो नीचे। प्रीति मैम कह रही है कि थोड़ा स्लो स्पीड से चलो, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है। ठीक है, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। अगर आप मुझसे फ्री क्लास लेना चाहते हैं जिसमें आपको किसी प्रकार का कोई शुल्क ना देना पड़े, तो आप अनअकैडमी ऐप पर, अनअकैडमी ऐप पर 10 बजे आ जाया करो। फ्री क्लास होती है मेरी रोज, फ्री क्लास होती है डेली रोज सुबह 10 बजे। चलिए, रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि आत्मलंबन तव तत्व धर्म का साधारणीकरण होता है, साधारीकरण होता है, लिखा अलग तरीके से। यात्रा के लिए निकल रही बुद्धि का हृदय को साथ लेकर चलना, ये रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जिस प्रकार भक्ति के लिए उपासना या ध्यान की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार भावों के प्रवर्तन के लिए भावना या कल्पना अपेक्षित होती है। जितने हिंदी पाठक बाबू देवकिनंदर खत्री ने उत्पन्न किए, उतने और किसी ग्रंथकार ने नहीं किए। ये सोच लो आप, ये देवकिनंदन बाबू खत्री का जो चंद्रकांता उपन्यास था ना, चंद्रकांता, चंद्रकांता उपन्यास को पढ़ने के लिए बहुत से उर्दू के लोगों ने हिंदी सीखी थी। वेरी गुड। चंद्रकांता पढ़ने के लिए ही न जाने कितने उर्दू जीवियों ने हिंदी सीखी है। अगला क्वेश्चन, छायावाद प्रकृति में मानव जीवन का प्रतिबिंब देखता है। छायावाद प्रकृति में मानव जीवन का प्रतिबिंब देखता है। रामचंद्र शुक्ल केशव जी के बारे में क्या कहते हैं? रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि केशव जी को कवि हृदय नहीं मिला। केशव जी को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। केशव जी को कवि हृदय नहीं मिला, उनमें वह सहृदयता भावुकता नहीं थी जो एक कवि में होनी चाहिए थी। ये एक प्रकार से नकारात्मक बात है साथियों केशव जी के बारे में। नूतन पांडे का आज पहला दिन है, स्वागत है नूतन। ऐसे ही पढ़ते जाओ, रोज क्लास में आते जाओ। अनअकैडमी पर 10 बजे होती है मेरी क्लास बेटा, सुबह 10 बजे अनअकैडमी पर होती है रोज। आप लोग आते नहीं हो, फ्री क्लास होती है पेपर वन की, निशुल्क, एक कोई पैसा नहीं लगता है अनअकैडमी पर पढ़ने का, अगर आप ट्रिक यूज करो तो। और वो ट्रिक ही है फ्री क्लास देखो मेरी, सुबह 10 बजे पेपर वन खलास। मैंने अनअकैडमी पर कम से कम 1000 से ज्यादा क्लास पढ़ा दी है, 1000 से ज्यादा क्लास पढ़ा दी है मैंने फ्री में, सच मानो तो 1000 से ज्यादा क्लास फ्री पढ़ा दी है मैंने अनअकैडमी पिछले 2.5-3 साल से। मैं पेपर वन का फुल कॉन्सेप्ट कराता हूं अनअकैडमी पर फ्री, तो सुबह आ जाया करो। चलिए, केशव के संवादों में पात्रों के अनुकूल क्रोध उत्साह आदि की व्यंजना भी सुंदर है, तथा वाक पटुता और राजनीति के दाव पेज का आभास भी भावपूर्ण है। अगली बात, बिहारी का विरह मजाक की हद तक पहुंच गया है। रामचंद्र शुक्ल, पढ़ो आप सब लोग इन पंक्तियों का चिंतन मनन करो, चिंतन मनन करो इनका, आप सब लोग चिंतन मनन करो। सहजादी खातून, मनीष कह रहे हैं कि सर लिटरेचर की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करवाइए। मनीष देखो, मैं वही क्वेश्चन कराता हूं जो हमारे एग्जाम में आते हैं। एक बार मैं एलसीडी बंद कर देता हूं, पैनल बंद कर देता हूं।
उम्मीद है साथियों आपने ये पढ़ लिया होगा। देखो पढ़ाने को तो बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, पर मेरा एक पढ़ने का और पढ़ाने का तरीका है। मैं खुद 3 टाइम जेआरएफ हूं, मैं 3 टाइम जेआरएफ हूं साथियों, पीएचडी किया है और पढ़ाया है आप लोगों को यूनिवर्सिटी कॉलेज में, काफी सारा अनुभव है मुझे इस चीज का। उसका कारण क्या है सुनो, उसका कारण यह है क्योंकि मैं पढ़ना जानता हूं और पढ़ाना जानता हूं कि हमको क्या पढ़ना है कि वो एग्जाम में आएगा। मैं केवल उसी पर फोकस करता हूं और यकीन मानो कथन वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इनको करा रहा हूं। रामचंद्र शूल कहते हैं कि धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। क्या कहते हैं? रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कबीर आदि निर्गुण संत कवियों में ज्ञान मार्ग की जो बातें हैं वे हिंदू शास्त्रों की हैं, उनका संचय उन्होंने रामानंद के उपदेशों से किया है। रचना वचनाओं का भी मनीष पांडे सब क्लास करवाएंगे, यहां पर चिंता ना करें, मैं बैठा हूं, कल रचनाओं की क्लास कर लेंगे, रात्रि पढ़ेंगे, अब से लेट नाइट क्लास शुरू किया करेंगे, 12 बजे तक पढ़ेंगे, रात को पढ़ा करेंगे। रात का मौसम मुझे सबसे मस्त लग रहा है इस समय, एकदम मन माने और ऊट पटांग नहीं है, शास्त्रों के अनुकूल है। ये सुंदरदास के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। सुंदरदास कौन थे साथियों? सुंदरदास थे साथियों राजस्थान, एक दौसा जिला है राजस्थान के अंदर, वहां के रहने वाले एक संत थे, बहुत पढ़े लिखे। निराला के बारे में कहते हैं कि बहु वस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला जी में है। क्या साथियों? बहु वस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला जी में है, इस बात को कहते हैं साथियों कौन? रामचंद्र शुक्ल। प्रेम दशा की व्यंजना ही उनका अपना क्षेत्र है, प्रेम की गूढ़ अंतरदशा का उद्घाटन जैसे इसमें है वैसा हिंदी के अन्य श्रृंगार कवियों में नहीं है। अगली बात है साथियों, ये मोस्ट पंक्ति जो मैं बता रहा हूं, ये बात पढ़िए एक बार, सबके सब रीड कर लीजिए, खुद से रीड करो इसको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कथनों को खुद से रीड करो फटाफट से। देखो व्हाट्सएप ग्रुप, मैं किसी प्रकार के व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाता हूं मोटिवेशन फॉर सक्सेस, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप पर आप पढ़ोगे नहीं, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप पर अगर मैं बना भी ले कोई आदमी तो उससे जो लड़कियों की प्राइवेसी है ना साथियों वो खराब हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लड़का लड़की एक ग्रुप में जुड़ जाएंगे तो फिर सबके नंबर एक दूसरे के पास एक्सचेंज हो जाते हैं, तो कोई किसी को फोन कर रहा है, कोई किसी को मैसेज कर रहा है, कोई किसी को डिस्टर्ब कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। इसलिए हम किसी प्रकार के कोई ग्रुप का निर्माण नहीं करते हैं, बस एक टेलीग्राम चैनल बना रखा है, आप हमसे डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल के माध्यम से संपर्क साध सकते हो, ऐसे ग्रुप्स वगैरह हम लोग नहीं बनाते। मोटिवेशन फॉर सक्सेस कह रहे कि सासोर जालोर की धरा से ताजू देवड़ा का प्रणाम स्वीकार करो सर जी, मैंने पिछली बार आपके आशीर्वाद से नेट क्वालिफाई किया है, अब की बार जेआरएफ करनी है। मेरे मित्र ताजू देवड़ा जी, उम्मीद है साथियों आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, हाँ कुछ कुछ चीजें हैं वो और एक बार देख लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जिस कालखंड के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ती है वह एक अलग काल माना जाता है।
और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के अनुसार किया जाता है। अगली बात क्या कहते हैं रामचंद्र शुक्ल जी, कहते हैं कि वे कवि होने के अतिरिक्त बड़े पक्के गवैये भी हैं। गीत गोविंद स्वामी के बारे में बात कहते हैं, गोविंद स्वामी बहुत अच्छे गवैये भी हैं। साथियों, सूरदास भी एक मंदिर में भजन गाया करते थे। वल्लभाचार्य ने उनको मंदिर में भजन गाने के लिए रखा था। उस मंदिर का नाम बताओ। नाथ पंथ संप्रदाय सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, उसमें कोई संदेह नहीं। छायावाद घुमाकर पीछे से नाक पकड़ने की अभिव्यक्ति की पद्धति है, मोस्ट है साथियों। क्वालिटी बढ़ा लो बेटा रजनी, साफ दिख रहा है, क्योंकि हमारे मेरे पास देखो एक इस लैपटॉप में क्लास चल रही है, देखो एक इस लैपटॉप में क्लास चल रही बेटा, और इस मोबाइल में क्लास चल रही है। मुझे पता है बहुत साफ दिखाई दे रहा है, मुझे पता है, पर आप तो क्या है कि नेट आपका बेटा स्लो है। दो दो जगह मेरी क्लास चल रही। आप ना ऐसा करो, आपके यहां पर तीन डॉट दिखाई दे रहे होंगे, डॉट पर क्लिक करो और 480 सेलेक्ट कर लो बेटा, सेटिंग में जाकर, क्वालिटी में जाकर, सेटिंग में जाकर 480 आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो रामचंद्र शुक्ल साथियों हमने कंप्लीट यहां पर कर लिए हैं। कौन कर लिया है? रामचंद्र शुक्ल जी अब हमने यहां पर कंप्लीट कर लिए हैं। हमने साथियों बहुत सारी चीजों को पढ़ लिया, आज हमने रामचंद्र शुक्ल पढ़ लिया है। देखो कौन कौन पढ़ लिया हमने, रामचंद्र शुक्ल पढ़ लिया। भाई रे रामचंद्र शुक्ल कितना लंबा है ना यार। शुक्ल जी पढ़ लिए, धर्मवीर भारती पढ़ लिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बच्चन, बाल मुकुंद, बालकृष्ण भट्ट, और राजकुमार राम कुमार वर्मा पढ़ लिया, और विनय मोहन शर्मा, राम विलास शर्मा पढ़ लिया, नामवर सिंह पढ़ लिया, गणपति चंद्र गुप्त पढ़ लिया, और हजारी प्रसाद द्विवेदी पढ़ लिए। आज हमने अभी क्लास लंबी चलेगी, डॉक्टर नागेंद्र पढ़ लिए, अभी और क्लास चलेगी आधी घंटा। रामधारी सिंह दिनकर पढ़ लिया हमने, हरिवंश राय बच्चन पढ़ लिए हमने आज, और अज्ञे जी पढ़ लिए, मुक्तिबोध पढ़ लिए, और सुमित्रा नंदन पंत जी पढ़ लिए आज हमने, निराला पढ़ लिया, और हमने जयशंकर प्रसाद को तो आज की क्लास में नहीं पढ़ा है हमने। ओके, इतने सारे लोगों को साथियों हमने पढ़ा है। एक बहुत बड़े दार्शनिक है नित्से, नित्से कहते हैं कि ईश्वर मर चुका है और चर्च उसकी कब्रगाह है और मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है। नित्से कहते हैं, अरे बहुत तकड़े दार्शनिक है, बहुत बड़े दार्शनिक है, बहुत बड़े। इकोनॉमिक्स की क्लास बेटा, वो ये क्लास हिंदी के इकोनॉमिक अनअकैडमी ऐप पर होते बेटा। वो देश की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय से मैं पीएचडी हूं, आप लोग मेरे बारे में जानते ही हो। अभी बात मैं क्यों कह रहा हूं, आप लोगों ने यूट्यूब पर या अलग अलग जगह बहुत सारे शिक्षक देखे होंगे। देखो इस दुनिया में सभी शिक्षक बेस्ट हैं, शिक्षक है ना वो दुनिया में बेस्ट हैं, लेकिन मैं थोड़ा अलग हूं। जिस दिन मुझे मेरी पीएचडी की डिग्री अवार्ड हो रही थी ना, उस कॉन्वोकेशन में मैं सबसे कम उम्र का रिसर्च स्कॉलर था, सबसे कम उम्र का। मैंने एमए के साथ साथ ही जीआरएफ किया है। मैं बहुत ज्यादा पढ़ता नहीं हूं, बहुत ज्यादा पढ़ाता भी नहीं हूं। मैं मुझे ये पता है, मैं पता है क्या करता हूं, जैसे आप लोग 2022 के एग्जाम दे रहे हो, मैंने क्या किया 2019-20 में तो एग्जाम नहीं लगी, 21 दो तीन चार साल के एग्जामों की बहुत तगड़ी स्टडी की है। इतनी तगड़ी स्टडी की है कि आप यकीन मानोगे मैंने कितनी बार बार पेपर पढ़े हैं। मैंने एक निष्कर्ष निकाला है कि आपके पेपर कहां से बनता है। देखो मैंने निष्कर्ष क्या निकाला है, एक तो ये निष्कर्ष निकाला है कि ये इस तरह की पंक्तियां आती हैं, आती है कि नहीं आती है पंक्तियां ऐसी, एक तो ये पंक्तियां आती हैं ये पंक्तियां, कथन आते हैं। तो मैंने क्या किया है, अपने नोट्स बनाए, मैंने आप लोगों के लिए क्या किया, नोट्स बनाए, जिसमें जितने भी कथन थे रामचंद्र शुक्ल के, द्विवेदी के, निराला के, ये सारे कथनों को एक साथ लिख लिया है ना, ताकि ये एकदम पढ़ लें हम। और मैंने ये किया कि जितने भी पंक्तियां होती है ना मोस्ट, उन सभी पंक्तियों को फिर मैंने एक साथ लिख लिया और आपके सामने क्लास लेकर आ गया। अब जो स्टूडेंट इस क्लास को देख कर जा रहा है ना,
30-35 क्वेश्चन सही करके आएगा यहां से, 30-35 मिला लेना, भला ही ऑन रिकॉर्ड अनअकैडमी के मंच से बात कर रहा हूं, इसका मतलब मैं कोई भी चीज हवा में नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें ब्रांड की साख बनी हुई है। क्योंकि जो मैं क्लास में जो मैं मेटीरियल लेकर आया हूं ना आपके लिए, वहां से सीधा सेंट्रिक क्वेश्चन बनते हैं, जैसे पंक्तियों वाले क्वेश्चन, जैसे आपके कथन वाले क्वेश्चन, वहां से सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। मैं ज्यादा खरपतवार ना पढ़ता हूं ना पढ़ाता हूं भाई, मैं हमेशा एक चीज पर विश्वास करता हूं कि आज के जमाने में क्या पढ़ना है ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्या छोड़ देना है इसकी अंडरस्टैंडिंग, इसकी समझ होना ज्यादा जरूरी है। तो मैं ये सबसे पहले ये डिसाइड करता हूं क्या नहीं पढ़ना, बस दैट्स इट। और मैं ये पता कर लेता हूं क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, और मैं जो क्या पढ़ना है ना वही पढ़ाता हूं। अब 2 घंटे से मैं क्लास ले रहा हूं, मैंने वो चीज पढ़ाई है जो आपके एग्जाम आएंगी। रामचंद्र शुक्ल के कथन आएंगे, मैंने रामचंद्र शुक्ल पढ़ा दिया। नगेंद्र का कथन आएगा, मैंने रामविलास शर्मा के कथन आएंगे, द्विवेदी जी दिनकर के कथन आएंगे, मैंने सारे कथन पढ़ा दिए आपको। और अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं पंक्तियां, कि पंक्तियां आएंगी 100%, और मैं पंक्तियां आपको पढ़ाने जा रहा हूं। चले हो जाए तैयार, चलिए। मैंने सारे कथनों को एक साथ ले लिया है, अब आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने सभी कथनों को एक साथ ले लिया, एक जगह ले लिया, और अब एक साथ एक जगह लेकर अब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। चलो भाई साहब, आधुनिक काल में भारतेंदु से शुरू करें, फिर धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, क्रम से बढ़ेंगे। शुरुआत हम भारतेंदु से करेंगे, और भारतेंदु से बढ़ते 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 आगे तक आ जाएंगे, बिल्कुल आज तक आ जाएंगे हम लोग, ठीक। भारतेंदु शुरू करेंगे, क्रम से चलेंगे, क्रम नहीं तोड़ेंगे, क्रम से चलेंगे, ठीक। ओके, तैयार हो? हाँ। कहा करुणा निधि केशव सोए, जागत नाही अकेन जतन करी, भारतवासी रोए। भारतेंदु हरिश्चंद्र, रात में आ जाए करो रोज नगरी नाटक से। देखो, मैं वही चीज पढ़ाता हूं जो हमारी एग्जाम में आते हैं, बाकी चीजें ना पढ़ता हूं ना पढ़ाता हूं। भारतेंदु की अगली पंक्ति है कि अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गत होत प्रवीण, निज भाषा ज्ञान के रहत हीन के हीन। ये साथियों, भाषा की महत्वता के बारे में बताया गया है। अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण से प्रवीण हो जाओगे, ये राजभक्ति राष्ट्रभक्ति का ही बहुत बड़ा उदाहरण है। अंजू कह रही है कि क्लास कहां से जो का मतलब, देखो मेरी जो क्लास होती है ना, अगर आप चाहते हो मेरी मुझसे पढ़ना और फ्री पढ़ना, कोई शुल्क नहीं देना चाहते हो, तो एक काम करो, आप अनअकैडमी ऐप मेरे कहने से अभी डाउनलोड कर लो, अनअकैडमी ऐप मेरे कहने से अभी डाउनलोड कर लो, और डाउनलोड करने के बाद में रोज सुबह 10 बजे 10 AM मैं मंडे टू सैटरडे, सोमवार के मतलब मंडे टू शनिवार यानी सैटरडे तक मैं रोज पढ़ाता हूं वहां पर, आप आ जाए करो। फ्री क्लास होती है पेपर वन की, कुछ करेंगे जुगाड़ यार आप लोगों के लिए। चलिए, उन्नत निज भाषा उन्नत है सब उन्नत को मूल, बिन निज भाषा भाषा ज्ञान के मिटत नहीं है के सूल। ये साथियों भारतेंदु की। अब आ गया है महादेवी की, कि मिलन का नाम मतलो मैं विरह में चिर हूं, महादेवी वर्म। यार ये पंक्ति मुझे पता है, ऐसी कोई एग्जाम नहीं होगी जिसमें पंक्ति को पूछा नहीं गया हो। भाई ये पंक्ति कितनी बार पढ़ी होगी ना आपने, महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा की अगली पंक्ति है कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल, प्रियतम का पथ आलोकित कर, महादेवी वर्मा। महादेवी की अगली पंक्ति है, किरका प्रिय आज पिंजर खोल दो, महादेवी वर्मा। एक ज्वाला के बिना मैं राख का घर हूं, महादेवी वर्मा।
सुधी मेरे आंगन की जग में सुख की सिरहन हो अंत खिली महादेवी वन। एक बार आप लोग पढ़ो इनको, पढ़ो चलो। सर आज क्या फर्स्ट डे है? नहीं बेटा आज फर्स्ट डे नहीं है, आज रात में पहली बार क्लास। महादेवी वर्मा का अगला कथन है कि तुम विद्युत बन जाओ पाहुन मेरे नैनों पर पग धर धर। ये पंक्ति महादेवी वर्मा की। देखो यार आप लोगों में बहुत बच्चे, कितने स्टूडेंट नए आए आज, सब लोग एक बार कमेंट करो मुझे, एक बार आप कमेंट करो, आप में से कितने लोग मुझे पहली बार देख रहे हो। यहां पर नीतू गौतम कह रही है कि सर मैं आपको पहली बार देख रही हूं। हे भगवान, आप लोगों ने कभी डॉक्टर लोकेश बाली नाम नहीं सुना? आप लोगों ने कभी डॉक्टर लोकेश बाली नाम नहीं सुना मेरा? देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से पीएचडी हूं मैं, सबसे कम उम्र में जेआरएफ हूं, मैं तेज दौड़ना जानता हूं, मुझे बाबा आदम के जमाने की पढ़ाई अच्छी नहीं लगती और ना मैं वैसे पढ़ता हूं, मैं सीधा और सटीक पढ़ता हूं चीजों को, इसलिए कम समय में पास करता हूं क्विक तरीके से। मैंने खुद ने पास किए कम समय में, मैं खुद पीएचडी हूं, देश की विश्वविद्यालय में पढ़ाया है, पढ़ा रहा हूं कई सालों से, तो अलग तरीके से। आप में से अधिकांश लोग यह कह रहे हैं कि मैं क्लास को पहली बार देख रही हूं। नीतू, नीतू, दिव्या, दीपा, नीतू, रजनी, आशीष, धर्मपाल, आप में से कितने सारे लोग साथियों, आप नए स्टूडेंट हैं। देखो जो भी साथी नेट जेआरएफ की तैयारी करता है ना, वो डॉक्टर लोकेश बाली का नाम तो उसने जरूर सुना होगा, पर अभी हम न्यू हैं, फ्रेशर हैं, एमए करके आए हैं, एमए कर रहे हैं, इसलिए अभी आपने ज्यादा यूट्यूब पर सर्च नहीं किया होगा। अगर आप नेट से संबंधित कोई भी चीज सर्च करते तो मेरा कोई ना कोई वीडियो आपको जरूर मिल जाता, नेट की तैयारी कैसे करें, नेट क्या है, कुछ भी सर्च करते तो मिल जाता, पर अभी आप न्यू हैं, अभी तैयारी शुरू की है, धीरे धीरे आप समझ पाओगे। देखो यार मेरे कहने से सुबह 10 बजे कल सुबह 10 बजे अनअकैडमी ऐप पर आ जाना, सुबह 10 बजे ऐप पर। ओके रजनी, नाम सुना है सर, क्लास आज देखी है, प्रथम रश्मि का आना, रेगिणी तूने कैसे पहचाना, कहां कहां है बाल विहंगिनी, पाया तूने यह गाना। ये पंत जी की महत्वपूर्ण पंक्तियों में से एक मानी जाती है। एक पंक्ति की साधियों जो परिवर्तन जो रचना है उसमें से है कि मुझे छोड़ अनगढ़ जग में तुम होई अगोचर, भाव देव धर लौटी मां की ममता से भर, वीणा दे पर लौटी मां की ममता से भर, साध चेतना तंत्र रसों से झंकृत कर, खोल हृदय में भावों के सौंदर्य दिगंबर। ये है साथी पंत। आप सब लोग मुझसे जुड़ने के लिए या पता लगाने के लिए कि क्लास कहां और कैसे होती है, एक टेलीग्राम चैनल लिखो, डॉक्टर LOKESHBALI अनअकैडमी, इस टेलीग्राम चैनल पर मुझसे फॉलो कर लो और मैं यहां पर साथियों आपको पूरी चीज एक एक चीज समझा दूं। इन तीनों पंक्तियों को फटाफट पढ़िए कि सुंदर है विहंग सुमन, सुंदर मानव तुम सबसे सुंदरतम। ये साथियों पंत जी की रचना है। अभी तो मुकुट बांधा था ना माथ, हुई कल की हल्दी के हाथ। ये साथियों पंत जी की बात है। पढ़िए आप इस पूरे पेज को फटाफट से। मोबाइल चार्ज में लगा दो, तुम पढ़ो सबके सब। एक ही परसेंट बचा है, ऑफ हो जाएगा, कमेंट में नहीं देख पाऊंगा।
चलिए चलिए साथी, बहुत बढ़िया। एक ही जगह मैंने सारी मोस्ट मोस्ट पंक्तियों को यहां पर लग दिया है। अगली पंक्ति है कि मुक्त करो नारी नारी की चिर बंदगिनी नारी को, मुक्त करो नारी को चिर बंदनी नारी को, युग युग की बरबर कारा से जननी सखी प्यारी। पंत युगवाणी में कहते हैं नारी के बारे में कितनी अच्छी बात कहते हैं कि मुक्त करो चिर बंदनी नारी को, युग युग की बरबर कारा से जननी सखी प्यारी को, पंत जी कहते हैं युगवाणी में। अगली बात गुप्त जी की है, क्या कहते हैं कि वेदन ने तुम भी भली बनी, पाई मैंने आज तुझी से अपनी चाह गनी। मैथिली शरण गुप्त। केवल मनोरंजन का न कवि का कर्म होना चाहिए। मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती। क्या साथियों, मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती। अब यहां से आगे पंक्तियों को कल पढ़ लें, यहां से आगे। चंद्रगुप्त के नाटक के किस पात्र का है यह सवाल? दे दिया आंसर। ये साथियों गुस्से में कहते हैं, चाणक्य कहते हैं कि मैं सबको ठिकाने लगा दूंगा, सबको ठीक कर दूंगा। सरसुख नामक अग्रवाल बनिया की कथा किस उपन्यास में उल्लेखित है? यार ये तो मैंने खुद ने पढ़ाया है आप लोगों को, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? बनिया की कथा पढ़ाई कि नहीं पढ़ाई भाई? अरे देवरानी जेठानी की कहानी में नहीं पढ़ाई के? देवरानी जेठानी की कहानी में लड़ना सिखाया था आप लोगों को इस उपन्यास ने, कि कैसे लड़ाई की जाती है। और मैंने सास बहू वाली स्टोरी सुनाई थी कि दो प्रजाति ऐसी है सास और बहू की, उनके बीच में कभी आपने जमीन बंटती ना देखी होगी कि दो प्लॉट सास को दे दिया, चार किल्ला बहू को दे दिया, लेकिन पूरी महाभारत रहती है। ये स्टोरी भी सुनाई थी बड़ी मैंने शानदार आपको। सरसुख नामक अग्रवाल बनिया की कथा किस उपन्यास में उल्लेखित है? अरे यार ये डबल डबल टाइप हो रहे हैं, माफी चाहता हूं, हो गया, दिवाला करिए। हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया था? नॉवेल का अर्थ क्या है उपन्यास, ये किसने कहा था पहली बार?
नन्ना टन टन। भारतेंदु बाबा हरिश्चंद्र ने आंसर की के अनुसार ये बात कहने वाले थे भारतेंदु बाबा हरिश्चंद्र। तलाकशुदा माता पिता संतान के आधारित है साथियों आपका बंटी, बढ़ने की जरूरत नहीं है आपका बंटी। क्या साथियों आपका बंटी का छोटा सा बच्चा है, बहुत शानदार, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। मैंने पढ़ाया है आपको ये, प्लस में सारा पढ़ाया, सारा प्लस में सब पढ़ाया। देखो सीधा क्वेश्चन आ गया यहां से, प्लस में सब पढ़ाया मैंने ये। निम्नलिखित में से कौन निबंध शुक्ल द्वारा रचित नहीं है, जो शुक्ल द्वारा रचित नहीं है? कोई बात नहीं, पूछा आ जाओ। सही आंसर है साथियों सौंदर्य बोध और विश्वत बोध, जबकि और सारे हैं रसात्मक बोध के विविध रूप, साधारणीकरण के व्यक्तिक वैचित्रवाद, ये सभी। कवि कर्म और काव्य भाषा किस आलोचक की समीक्षा करती है, समझाओ मुझे। चलिए सही है साथियों, सही आंसर है इसका परमानंद श्रीवास्तव, परमानंद श्रीवास्तव। मैं माफी चाहता हूं थोड़ा समय लग गया मुझे। अवारा मसीहा किस साहित्यकार की औपन्यासिक, एक बात सोच रहे हो आप कि 2000, आपको नहीं लग रहा कि 2019 में कितना छुट्टू पेपर आया है? आपको नहीं लग रहा ऐसा 2019 में कितना छुट्टू पेपर आया? छुट्टू छुट्टू सारे सवाल कर देते हैं इसके, और 2021 के देखो और आंख फटके बाहर निकल जाएंगे ऐसे, इतना टफ ले, इसका लेवल बदल गया, इतना भयंकर। नेहा खान कह रही है कि एक क्लास स्पेशल पर भी लिया करो। ठीक है बेटा, कब लें बताओ, चलो समय फिक्स बता दो, कब लें बताओ, समय बताओ, कब लें समय बताओ, पेपर वन की क्लास कब लें? अभी तक देखो मेरा यूट्यूब का समय बताऊं, मैं आपको मेरा समय बताऊं क्या क्या चल रहा है। मैं सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे प्लस की क्लास लूंगा, लेता हूं। 11 बजे से 12 बजे तक मैं स्पेशल क्लास लेता हूं आप लोगों के, 10 बजे से, माफ करना, 10 बजे से
11 बजे तक आपकी ये स्पेशल क्लास लेता हूँ, उसके बाद में 12 बजे से 1 बजे तक मैं फिर प्लस की क्लास लेता हूं, है ना। इसके बाद में रात को 10 बजे, रात 10 से 11 मैं YouTube पर क्लास लेता हूं। अब बताओ ये एक YouTube की क्लास होगी, दूसरी YouTube की क्लास कब रखें आप बताओ, कितने बजे रखें? आप कहोगे उतने बजे रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों की आज्ञा सरोपरि है, चिंता ना करें। बताओ चलो YouTube पर क्लास का समय बताओ, फर्स्ट पेपर का दो क्लास रख लेंगे, कोई बात नहीं है, पेपर वन बताओ। बिल्कुल सही कह रही सरिता, थोड़ा सोच लेते हैं यार समय कब बचा है हमारे पास में, कितने बजे YouTube पर क्लास, ऑलरेडी 4 क्लास हो चुके हैं यार, ऑलरेडी 4 क्लास हो चुके हैं। नौ बजे प्लस है, 8 बजे आप जागोगे नहीं, 8 से 9 AM आप जागोगे ही नहीं, सोते रहोगे मुझे पता है, किसी की हिम्मत नहीं है सुबह ना इस जाग कर नहाने की, आपकी है क्या? 9 ATM तो मैं भी नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मैं समय लगता है नहाने में धोने में वॉकिंग करने में इसमें। ओके अच्छा एक काम कर सकते हैं क्या, हम एक काम कर सकते हैं क्या, काम बताऊं, 9 से 10 फर्स्ट पेपर और 10 से 11 हिंदी YouTube पर, बोलो या फिर आप लोगों के लिए दिन फिक्स कर लेते हैं यार, कुछ जैसे कि 3 दिन पेपर वन और 3 दिन पेपर टू, ऐसा कर लेंगे आपके लिए, ऐसा ये वाला पार्वती की छोरी बड़े दिनों बाद आई, ये वाला कर लें इस तरीके के। 4-5 PM तो नहीं यार, 4-5 PM पर तो आप लोग बिजी रहते होंगे, 4-5 PM पर तो आप लोग बिजी रहते होंगे यार, आई थिंक देखो मैं सुबह 8 बजे ले सकता हूं क्लास 8 से 9, पर फिर वो लगातार 4 क्लास हो जाएंगी मेरे लिए, मुझे लगातार 4 घंटे बोलना पड़ेगा। अब 4 घंटे बोलने में वैसे तो कोई समस्या नहीं है, कर इतने दिन से पढ़ा रहे हैं आदत हो गई है, पर फिर भी 4 घंटे हो जाएंगे लगातार। फिक्स करेंगे कोई ना कोई चीज आप लोगों को फिक्स करेंगे, चिंता मत करो, मैं आपको बहुत जल्द नई समय सारणी दे दूंगा। पेपर वन की रोज रोज रखने के बजाय सैटरडे और संडे 2 दिन लंबी लंबी मैराथन ले लिया करूं बस, बहुत ज्यादा हो जाएगा यार। साथियों ये है आवारा मसीहा कौन है, शरद चंद्र है, बढ़िए। सोशियोलॉजी की क्लास चल रही है, अनअकैडमी पर क्लास होती है बेटा,
अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लो, सब मिल जाएगा वहां पर सारी क्लासेज। ये सही आंसर है साथियों, पहला गिरमिटिया, पहला गिरमिटिया इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है, बतलाइए। कौन सा उपन्यास ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है? साथियों आप लोग सब इसका आंसर जानते हो, मुझे इतना जरूर पता है, वो है टेढ़े मेढ़े रास्ते। आंसर देने वाले की लिस्ट लंबी है, आप देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस कहानी में नौकरी के सिलसिले से बाहर रहने के कारण गजाधर बाबू की लंबी अनुपस्थिति उन्हें बीमारी के ढांचे से बाहर कर देती है? सही आंसर है साथियों गजेंद्र बाबू, किसमें? वापसी में। किसमें साथियों? वापसी इज द करेक्ट आंसर। शब्द की जिस शब्दी शक्ति से उसमें सांकेतिक अर्थ का बोध हो, उस वह कौन सी शब्द शक्ति होती है? मैं ये देखना चाहता हूं कितने लोगों ने लाइक कर रखा। अरे ओ भाई रे, कितने भयंकर लोगों ने लाइक कर दिया वीडियो। ओ रे 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 रे, आप लोग कितने अच्छे हो ना, सबसे पहले लाइक ही करते हो। वाह क्या बात, अरे वाह छा गए यार, छा गए, सब लोगों ने लाइक कर दिया, बहुत बढ़िया भाई। शर्म कर लो थोड़ी बहुत, क्लास के मजे लिए जा रहे हो और लाइक भी नहीं करते। लाइक करो क्लास को बड़ा-बड़ से सबके सब। अब लाइक करने से गुरुजी की तनख्वाह नहीं बढ़ती है, इतना मत सोचना कि हम लाइक कर देंगे तो गुरुजी की तनख्वाह बढ़ जाएगी, है ऐसा मत सोचना, ऐसा नहीं होता है, पर थोड़ा अच्छा लगता है यार। ये इसका सही आंसर है साथियों अभिदा। क्या है? अभिदा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखो तीन होते, एक तो होता अभिदा, लक्षणा और व्यंजना, और आप लोग एमए कर रखे हैं आप लोगों ने हिंदी की से, तो अभिदा लक्षणा व्यंजना को तो आप लोग जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते हो तो बता दो, मैं आपको समझा दूंगा, जानते होंगे, मैं ये मानकर चल रहा हूं। कितनी व्याकरण ठूंस दी यार, कितना व्याकरण ठूंस दिया इन्होंने। किस आचार्य ने शक्ति, लोक व्यवहार आदि से प्राप्त निपुणता तथा काव्यगो की शिक्षा प्राप्त कर किया है, अभ्यास को काव का हेतु माना है, बताओ।
हिंदी हमारा सब्जेक्ट नहीं है और हमें आपसे पढ़ना है सर YT पर पेपर फर्स्ट की क्लास। नेहा खान, पढ़ लिया बेटा, चिंता ना करो, कुछ न कुछ व्यवस्था कर देंगे, कुछ न कुछ व्यवस्था कर देंगे। बस आप लोगों ने मेरे कान में डाल दिया ये बात, अब व्यवस्था कर देंगे, आप लोग चिंता क्या करते हो, कर देंगे व्यवस्था, चिंता मत करो। सही आंसर है साथियों मम्मट। क्या है मम्मट? पाश्चात्य काव्य में आया कि कवि के भार को बहुत बड़ा बताते हुए किस आचार्य ने कहा है कि ऐसा न कोई शब्द है, न अर्थ, न न्याय और ने जो कला को काव का अंग ने बना सके। अब साथियों समय बहुत हो गया है, अब आप लोग भी सब सो जाइए, क्लास को एंड करते हैं। सही आंसर है साथियों भामह। क्या है? भामह इज द करेक्ट आंसर। भामह साथियों क्या है? करेक्ट आंसर है भामह। भाम है साथियों करेक्ट आंसर भाम है। एक और कर जाओ तो कहां भाग रहे हो इसे, ऐसे इतनी कहां जल्दी है? ए बबू आओ, इतनी कहां जल्दी है, इतनी कहां भाग रहे हो? एक और कर जाओ, लगी में लगी। आनंद वर्धन ने किस काव को ध्वनि कहा? आंसर बता दूं, तीन। जहां शब्द और अर्थ दोनों अपने अर्थ का उत्सर्जन कर व्यंग्यार्थ को अभिव्यक्त करे, इसको कहते हैं साथियों उत्सर्जन का व्यंग्यार्थ को अभिव्यक्त करे। यह आंसर सही है। ठीक है साथियों, चलिए गुड नाइट, बाय एवरीबॉडी, थैंक यू। चलिए आते हैं, वेरी गुड। स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उसके से जुड़ी क्रूरता का अंकन किस उपन्यास में आपने किया है? सही आंसर दिया है सबसे पहले मनी ने, मीना ने, और यह साथियों तमस। क्या है? तमस आंसर आशीष ने भी दिया है, बहुत सारे दोस्तों ने, विनय ने भी दिया है, बहुत बढ़िया। अपने आप में आप 2021 का 2022 का जो पेपर लगा है उसको आप समझ पा रहे हो कि भाई किस लेवल का पेपर आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है 26, कहता है कि आप बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी है, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं। क्या है साथियों? हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं। यह गोदान के किस पात्र की अभिव्यक्ति है? बताइए गोदान के किस पात्र ने यह बात कही है?
ये बात साथियों धनिया कहती है। कौन कहती है इस बात को? धनिया कहती है। धनिया कौन है? होरी की पत्नी। जुनिया कौन है? गोबर की पत्नी। और ये कौन है? होरी की पत्नी। सीलिया कौन है? सीलिया साथियों पंडित दादा दाता तीन की बिल्कुल उनके साथ वो रहते हैं, मित्र लगा लीजिए, एक अच्छी लैंग्वेज में कहें तो महिला मित्र लगा लीजिए, और एक साथ पटेश्वर। तो सही आंसर है धनिया। क्या है? निम्नलिखित में से किस उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी, किस उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण हुआ है? चलिए, उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का चित्रण हुआ है। सही आंसर दीजिए। 27 का आंसर देना है आपको। आप लाइक नहीं करते हो वीडियो को? अरे बाप रे, बहुत कम लोगों ने लाइक किया वीडियो को। तो इतने कम लोगों ने लाइक क्यों किया? मैं कहता कहा नहीं शायद, इसलिए भूल गया ना लाइक करना। आप लोग कहा नहीं हो, कहा नहीं है, इसलिए आप लाइक करना ही भूल गए। ये तो बड़ा गलत बात है यार, कहा नहीं है तो लाइक नहीं किया वीडियो को। हे प्रभु, लाइक कर दो। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का साथियों बात कही है? ये कही है परीक्षा गुरु। इसमें कही है साथियों परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है कि परिंदे कहानी संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या क्या है? कि परिंदे कहानी, परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की क्या संख्या है? परिंदे में सात कहानियां हैं। सही आंसर साथियों क्या है? सात कहानियां। सरिता टीप टीप कर आंसर करती हुई, क्योंकि इतने एक्यूरेसी के साथ आदमी टीप कर ही कर सकता है। ये मैं नहीं कहता हूं, ये सरकार कहती है। चलिए साथियों, परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों का संग्रह क्या है? सात। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में नहीं नहीं है? आई रिपीट, नहीं है। चलिए, सर 2018-19-20 जो भी वन वीडियो में सॉल्व करा दें। आई एम प्रशांत। अरे दादा स्वागत। चलिए 29। ठुमरी कहानी संग्रह तीसरी कसम ठुमरी में है, पंचलाइट और रसिक प्रिया है, लेकिन आदिम रात्रि की महक नहीं है। कौन सा थी? आदिम रात्रि महक नहीं है, जबकि ठुमरी में तीसरी कसम है, पंचलाइट और रसिक प्रिया है, रस प्रिया भी। चलिए, आप लोगों में कितने लोगों ने चंद्रदेव से मेरी बातें पढ़ रखी हैं? राजेंद्र बाला घोष की कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें, हिंदी साहित्य की पहली कहानी है जिसमें समय की राजनीति और अर्थनीतियों को केंद्रीय तथ्य बनाया। वर्तमान समय की जो समांग्रेज के समय की जो राजनीति चल रही थी उस पर एक कटाक्ष था, व्यंग था। यह कथन किसका है? बाप रे, सही आंसर है साथियों भवदेश पांडे। क्या आंसर है इसका? सही आंसर है भवदेव पांडे। सही आंसर है भवदेव पांडे। क्या है साथियों? भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य क्या करता है? भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य क्या करता है? 31 का आंसर दो।
भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य क्या करता है? क्या करता है साथियों? भारत को जगाने का प्रयास करता है। क्या करता है वो? भारत को जगाने का प्रयास करता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा हुआ यह नाटक है। अगली पंक्ति है कि चंद्रगुप्त नाटक में किस चरित्र की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा था? क्या कहा था? कि मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूं। बताइए किसमें कहा था यह बात? सोच समझकर। 32 का सही आंसर है वर रुचि। क्या है साथियों? वर रुचि। 32 का सही आंसर है वर रुचि। कितना है? वर रुचि। देख वर रुचि, वर रुचि करेक्ट आंसर है। आंसर की के अनुसार चलिए। किसी वस्तु, हाँ, किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से हमारी अपनी सत्ता के क्रोध का जितना ही अधिक तीरोभाव हमारे मन की उस वस्तु के रूप में जितना ही पूर्ण परिणति होगी, उतना ही पड़ी हुई हमारी सौंदर्य की अनुभूति कही जाएगी। यह कथन किसका है? सही आंसर करो। देख लिया बेटा, मेरे पास पूरा उसका आंसर की है, मेरे पास आंसर की है। मैं आंसर की मैं देख लेता हूं, अगर मुझे कोई कोई ऐसा असमंजस होता है तो आंसर की देता हूं। जो ऑफिशियली आंसर की है यूजीसी की, ऑफिशियली आंसर की, बिल्कुल ऑथेंटिक, उसी के आधार पर आंसर बता रहा हूं। मैं ऐसे नहीं बताता हूं, अगर मुझे कोई कंफ्यूजन होता है तो मैं खुद आंसर की पर नजर डालता हूं ताकि कोई आपको किसी प्रकार की गुंजाइश ना रहे। चलिए 33 का सही आंसर करना है आपको। सही आंसर है साथियों यहां पर बाबा रामचंद्र शुक्ल। क्या है? बाबा रामचंद्र शुक्ल इस बात को कहते हैं कि किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से हमारी अपनी सत्ता में क्रोध का जितना ही अधिक तीरोभाव और हमारे मन की उस वस्तु के रूप में जितनी पूर्ण परिणति होगी, उतनी ही बढ़ी हुई हमारी सौंदर्य की अनुभूति कही जाएगी। रामचंद्र शुक्ल। जितनी सफलता भारतीय युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली, उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली। यह कथन किसका है बताओ? यह कथन किसका है? गुरुजी आज बस ठीक है, आप लोग ये बात मान लेंगे। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक। हाँ बिल्कुल सही कह रही बात, इतनी गहरी बात कौन कर सकता है शुक्ल जी के अलावा। ये बात तो मैं भी जानता हूं क्योंकि शुक्ल जी में से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से शुक्ल जी के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। के बिरहिन को मीच दे के आपा दिखलाए, आठ पहर का दक्षिणा मोपे सहा ना जाए। इस पंक्ति में प्रेम की किस स्थिति का वर्णन किया गया है? सही आंसर है साथियों विरह।
विरह की अतिशयता, जब विरह एक स्तर से ज्यादा बढ़ने लग जाए तो वो है सात्व विरह की अतिशयता। और विरह होता है नायक नायिकाओं के बीच में, क्या होता है नायक नायक प्रेम छे प्रेम छे प्रेम छे, मैंने बोला केम छे केम छे केम छे और उसने बोला प्रेम छे प्रेम छे प्रेम छे। जब प्रेम हो जाता है दोनों में और जब दोनों बिछड़ जाते हैं एक दूसरे से, सोचो उसको विरह कहते हैं। देखो कोई जमाने में विरह हुआ करता था, लेकिन अब जमाना थोड़ा बदल रहा है। अब ब्रेकअप की पार्टी, आज मैंने ब्रेकअप की पार्टी कर ली है, आज के जमाने के नायक ब्रेकअप की पार्टी किया करते हैं। अब बताइए, अब ब्रेकअप की तो पार्टी कर ली है और अपने जिससे ब्रेकअप किया है उसको भी पार्टी में बुला लिया है और दोनों अपने अपने ब्रेकअप की पार्टी को नाच रहे हैं बस पी के एकदम। अब आप सोचो ब्रेकअप की पार्टी कर ली तो विरह तो है ही नहीं, अब तू नहीं चलिए टेलीग्राम पर सबको नोटिफिकेशन मिलता है मेरी क्लास का रिम्पी, आप टेलीग्राम पर साथियों देखा करो। राधा के रूप की तारीफ करके उसका मान बढ़ा रही है, मान छुड़ाती है, कैसे उनका मान छुड़ाती है कि तो पर वासो उर्वशी सुनी राध के सुझान, तू मोहन के उर्वशी हुबे उर्वशी समान, तो उर्वशी के समान मोहन के साथ है साथी। ये यहां पर राधिका के रूप की गुणगान हो रहा है। बड़ा सरल क्वेश्चन था इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ जाइए। ये क्वेश्चन हेलो यही संसार बना सिंदूर अंगार, वात हत लती का वैसु कुमार, पड़ी है छन्नाधार। करिए आंसर, पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं, पुरुष के बिगैर यहां पर लिख रखा है पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं। पूरा क्या लिख रखा है, पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है, यहां पर ये लिख रखा है। क्लास रुक गई है, नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद। अरे नहीं भाई, चल रही है, दौड़ रही है। हाय रुक गया यही संसार। चलिए इसका सही आंसर है साथियों ये, पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है, पुरुष के बिना स्त्री कोई अस्तित्व नहीं है। कि हाय रुक गया यही संसार बना सिंदूर अंगार, वात हत लतिका वैसु कुमार, पड़ी है छिन्नाधार। तो ये है साथियों क्या कहते हैं यहां पर, सही आंसर है पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा ये आंसर कहता है। मैं व्यक्तिगत रूप से इस चीज को नहीं मानता हूं, लेकिन ये किताब की भाषा है, आप समझो। चले शिवपालगंज का गांव का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? कितने लोगों को नींद आ रही है क्लास के दौरान कि भाई सर अब बस बहुत लंबी क्लास हो गई है, अब सोना चाहते हैं। अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी है, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं। कैसा तो हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं। ये गोदान के किस पात्र की अभिव्यक्ति है, बताइए गोदान के किस पात्र ने यह बात कही है?
ये बात साथियों धनिया कहती है। कौन कहती है इस बात को? धनिया कहती है। धनिया कौन है? होरी की पत्नी। जुनिया कौन है? गोबर की पत्नी। और ये कौन है? होरी की पत्नी। सीलिया कौन है? सीलिया साथियों पंडित दादा दाता तीन की बिल्कुल उनके साथ वो रहते हैं, मित्र लगा लीजिए, एक अच्छी लैंग्वेज में कहें तो महिला मित्र लगा लीजिए, और एक साथ पटेश्वर। तो सही आंसर है धनिया। क्या है? निम्नलिखित में से किस उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी, किस उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण हुआ है? चलिए हां, माता दीन की प्रेमिका। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का चित्रण हुआ है? सही आंसर दीजिए। 27 का आंसर देना है आपको। आप लाइक नहीं करते हो वीडियो को? अरे बाप रे, बहुत कम लोगों ने लाइक किया वीडियो को। तो इतने कम लोगों ने लाइक क्यों किया? मैं कहता कहा नहीं शायद, इसलिए भूल गया ना लाइक करना। आप लोग कहा नहीं हो, कहा नहीं है, इसलिए आप लाइक करना ही भूल गए। ये तो बड़ा गलत बात है यार, कहा नहीं है तो लाइक नहीं किया वीडियो को। हे प्रभु, लाइक कर दो। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का साथियों बात कही है? ये कही है परीक्षा गुरु। इसमें कही है साथियों परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है कि परिंदे कहानी संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या क्या है? कि परिंदे कहानी, परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की क्या संख्या है? परिंदे में सात कहानियां हैं। सही आंसर साथियों क्या है? सात कहानियां। सरिता टीप टीप कर आंसर करती हुई, क्योंकि इतने एक्यूरेसी के साथ आदमी टीप कर ही कर सकता है। ये मैं नहीं कहता हूं, ये सरकार कहती है। चलिए साथियों, परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों का संग्रह क्या है? सात। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में नहीं नहीं है? आई रिपीट, नहीं है। चलिए सर, 2018-19-20 जो भी वन वीडियो में सॉल्व करा दें। आई एम प्रशांत। अरे दादा स्वागत। चलिए 29। ठुमरी कहानी संग्रह तीसरी कसम ठुमरी में है, पंचलाइट और रसिक प्रिया है, लेकिन आदिम रात्रि की महक नहीं है। कौन सा? तो आदिम रात्रि महक नहीं है, जबकि ठुमरी में तीसरी कसम है, पंचलाइट और रसिक प्रिया है, रसप्रिया भी। चलिए, आप लोगों में कितने लोगों ने चंद्रदेव से मेरी बातें पढ़ रखी हैं? राजेंद्र बाला घोष की कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें, हिंदी साहित्य की पहली कहानी है जिसमें समय की राजनीति और अर्थनीतियों को केंद्रीय तथ्य बनाया। वर्तमान समय की जो समय अंग्रेज के समय की जो राजनीति चल रही थी उस पर एक कटाक्ष था, व्यंग था। यह कथन किसका है? बाप रे, सही आंसर है साथियों भवदेश पांडे। क्या आंसर है इसका? सही आंसर है भवदेव पांडे। सही आंसर है भवदेव पांडे। क्या है साथियों? भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य क्या करता है? भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य क्या करता है? 31 का आंसर दो।
भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य क्या करता है? क्या करता है साथियों? भारत को जगाने का प्रयास करता है। क्या करता है वो? भारत को जगाने का प्रयास करता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा हुआ यह नाटक है। अगली पंक्ति है कि चंद्रगुप्त नाटक में किस चरित्र की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा था? क्या कहा था? कि मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूं। बताइए किसमें कहा था यह बात? सोच समझकर। 32 का सही आंसर है वर रुचि। क्या है साथियों? वर रुचि। 32 का सही आंसर है वर रुचि। कितना है? वर रुचि। वर रुचि, वर रुचि करेक्ट आंसर है। आंसर की के अनुसार चलिए। किसी वस्तु, हाँ, किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से हमारी अपनी सत्ता के क्रोध का जितना ही अधिक तीरोभाव हमारे मन की उस वस्तु के रूप में जितना ही पूर्ण परिणति होगी, उतना ही पड़ी हुई हमारी सौंदर्य की अनुभूति कही जाएगी। यह कथन किसका है? सही आंसर करो। देख लिया बेटा, मेरे पास पूरा उसका आंसर की है, मेरे पास आंसर की है। मैं आंसर की मैं देख लेता हूं, अगर मुझे कोई ऐसा असमंजस होता है तो आंसर की देता हूं। जो ऑफिशियली आंसर की है यूजीसी की, ऑफिशियली आंसर की बिल्कुल ऑथेंटिक, उसी के आधार पर आंसर बता रहा हूं। मैं ऐसे नहीं बताता हूं, अगर मुझे कोई कंफ्यूजन होता है तो मैं खुद आंसर की पर नजर डालता हूं ताकि कोई आपको किसी प्रकार की गुंजाइश ना रहे। चलिए 33 का सही आंसर करना है आपको। सही आंसर है साथियों यहां पर बाबा रामचंद्र शुक्ल। क्या है? बाबा रामचंद्र शुक्ल इस बात को कहते हैं कि किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से हमारी अपनी सत्ता में क्रोध का जितना ही अधिक तीरोभाव और हमारे मन की उस वस्तु के रूप में जितनी पूर्ण परिणति होगी, उतनी ही बढ़ी हुई हमारी सौंदर्य की अनुभूति कही जाएगी। रामचंद्र शुक्ल। जितनी सफलता भारतेंदु के लेखकों को निबंध रचना में मिली, उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली। यह कथन किसका है बताओ? यह कथन किसका है? गुरुजी आज बस कर लो क्लास को। आप तो फिक्स कर लो क्लास को। सही आंसर है साथियों 4। यहां पर सही है कि मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूं और प्रेम केवल जलन नहीं वह अमृत सिखा है। ये कथन हुए थे साथियों, डी इज द करेक्ट आंसर। सिक्सटी फाइव नंबर के फॉन्ट आपको थोड़े छोटे नजर आएंगे, पर आप करिए, थोड़े छोटे नजर आएंगे पर आप करिए। ये फॉन्ट है साथियों थोड़े छोटे नजर आएंगे पर आप करिए, क्योंकि इसमें ऑप्शन काफी नीचे दे रखे थे। बच्चन सिंह के अनुसार परिवर्तन कविता से संबंधित सही तत्व कौन से हैं? बच्चन सिंह के अनुसार Thank you.
65 का क्वेश्चन आपके सामने है। मैं अपने आप को प्रकट कर लेता हूं, इसका मतलब इन दोनों में से आंसर है, इन दोनों में से आंसर है। बच्चन सिंह द्वारा परिवर्तन कविता संबंधित तत्व कौन से हैं? सही उत्तर का चयन करना है। अधिकांश लोगों ने सी आंसर दिया है, वे वेरी गुड सवाल जवाब कि जीवन की संकुलता और परिवर्तन द्वंद्वात्मकता ने इस कविता के रूप विधान को जटिल और प्रभावशाली बना दिया। इसमें कहीं कहीं संस्कृत की तत्सम शब्दावली के द्वारा परिवर्तन के भयंकर रूपाकार का चित्रण किया गया है। ये साथियों यहां पर बिल्कुल सही आंसर। चलिए साथ, इन तीनों में से ही कोई एक आंसर है, अब मिलाओ आप, इन तीनों में से ही कोई एक आंसर है, अब आप मिलाइए, आपस में आपको इनको मिलाना है। क्वेश्चन में फिर से पढ़ा देता हूं क्या है साथियों, सूची एक और सूची दो दे रखी है, इनको मिलान करना है आपको, सूची एक को और सूची दो को यहां पर मिलान करना है, मिलाइए, इन तीनों में से ही कोई एक आंसर है, मिलान करिए। पेपर का लेवल देख पा रहे हो विनोद? ये है पेपर का हाई लेवल। सही आंसर है साथियों इस क्वेश्चन के अनुसार इसका तीन, होली है। यह साथियों प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। पीछे मत फेंकिए बालकृष्ण भट्ट की रचना है और ये दोनों ही भारतेंदु काल के व्यक्ति हैं। मेरी जन्मभूमि द्विवेदी जी और परंपरा बंधन नहीं विद्या निवास मिश्र इज द करेक्ट आंसर। विद्या निवास मिश्र इज द करेक्ट आंसर। ये सूची दी गई है, इन सूचियों को आप मिलान करिए, आप ये सूची को आपको मिलान करनी है, क्वेश्चन नंबर 67। चलिए करिए मिलान, थोड़ा छोटा तो हो गया है खैर, लेकिन क्या करें, मिलान करो आप। सर विनोद कौन है? विनोद एक फनी कैरेक्टर है जो काफी पिछले 6-7, 3-4 महीने से बहुत चर्चित चल रहा था। विनोद, आप लोगों ने इंटरनेट पर वायरल नहीं देखा है विनोद को? विनोद इंटरनेट पर वायरल था, विनोद, विनोद ये वाला विनोद। पंचायत में भी है विनोद, वेरी गुड। हाँ पंचायत सीरीज में भी वहीं से वो पॉपुलर कैरेक्टर को उठाया था। समझ समझ कर करो आंसर। समझ समझ कर करो आंसर।
चलिए सोचो यार, सोचो सोचो सोचो। इसका सही आंसर है तीन, अभिमन्यु अनंत मॉरिशस, जोगिंदर सिंह कंवल फिजी और सूर्य प्रसाद वीरे सूरीनामा और सिहोद्रा शिव ये साथियों ट्रिनिटाइड। सूची वन और सूची टू को मिलान करना है। ये तो भाई अतरंगी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो अतरंगी है, अतरंगी। इनको मिलाओ तो चलिए इसको मिलाओ तो विनोद, चलिए चलिए साथियों आंसर कीजिए। क्या कह रहे हैं, ये कहां से आया क्वेश्चन, बताते हैं बताते हैं। इसको करिए आप, सही आंसर है साथियों, एक बार खुद कर लो, आप कर लो ढंग से एक बार। सही आंसर है साथियों इसका एक, चित्तौर का सर्वनाम रूप नारायण पांडे, बसंत भारतेंदु हरिश्चंद्र, जुलूस रुका है ये रचना है विवेक रॉय की, और गांव का मन यह है विद्या निवास मिश्र। सही आंसर है एक। यह आंसर है, क्वेश्चन आ गया 69, लंबे लंबे क्वेश्चन चल रहे हैं इस समय, 69 वाले क्वेश्चन को पढ़िए आप। चलिए थोड़ा फॉन्ट अब छोटा होगा होगा, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा मुझे फॉन्ट को छोटा करना पड़ गया है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा बड़ा है इसलिए फॉन्ट मैंने छोटा कर दिया है। देखो सबसे पहले आप ये देखो यार, ये रचना किनकी है, कोई ऐसे जैसे मुझे हसमत, जैसे हम हसमत, इसके राइटर का मुझे पता है, इसके राइटर का मुझे पता है, मैं इससे मिलान कर लूंगा आराम से। सोचो आपको क्या पता है। सर माय कमेंट स्वीटी, ये तो मैं वैसे भी रिवाइज करवा दूंगा, ये सभी कृति यूनिट नंबर दो में आते हैं बेटा,
यूनिट नंबर दो में आती है ये सभी रचनाओं के बारे में उल्लेख, पर आप वैसे पढ़ोगे तो कुछ समझ नहीं लगेगा, तो धीरे धीरे ही पढ़ो इनको आप। शाबाश रजनी भाई, शाबाश। सही जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो है साथियों डी, फोर आंसर है। क्या है? या मुझे पता है हम हसमत जो है ये साथियों कृष्णा सोबती की रचना है, तो सी में एक क्या, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये यहां पर सी में एक आंसर है, तो ऑटोमेटिक सी आ जाएगा। तो सर सप्तपर्णी है गिरिराज किशोर, लौट आओ धार ये दूधना सिंह, और हमारे अतीत भीष्म साहनी, ये सही आंसर है। डेढ़ दो घंटे से हमारी क्लास लगातार अनवरत रूप से चली जा रही है, 70 नंबर के क्वेश्चन को करिए आप साथियों। बिल्कुल विनय भाई, आपको मैं सारी चीजें कंप्लीट करवा दूंगा, मैं वही चीज पढ़ाता हूं जो एग्जाम सेंट्रिक हो, जैसे 2021 एंड 2020 के पीवाईक्यूज आपको पढ़ने बहुत जरूरी हैं, इसलिए पढ़ा रहा हूं। और चीजें मैंने रामचंद्र शुक्ल पढ़ाया था, उल्टे सुलटे नाम के पढ़ाए, मैं हर चीज वो पढ़ा दूंगा आपके एग्जाम तक, जो आपके एग्जाम में आएगी आप चिंता ना करें। मेरा घर का नाम विनोद, विनोद है, मुझे तो विनोद चाहिए, विनोद बी बी। 70 का सही आंसर एक, इकहत्तर का क्वेश्चन करो तो बात बने। बताओ कितना तगड़ा काम कर दिया विनोद ने, शादी करवा ली और क्या चाहिए, और आप देखो ऐसे घूम रहे हो आप। विनोद होने के फायदे बहुत हैं, इंटरनेट पर पॉपुलर चल रहा है विनोद, विनोद होने के फायदे बहुत ज्यादा हैं। भाई ऐसे नंबर कहता है कि प्रकाशन भाई सुनो, हेलो दोस्तों, मैं कल की तरह इस बार भी हर 10 क्वेश्चन के बाद में आपसे आंसर पूछने वाला हूं कि भाई साहब शुरू कर दीजिए। इसका साथियों जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर 4। क्या है? पहला है मित्रों मर जानी, उसके बाद में सूरजमुखी अंधेरे में, फिर है साथियों ए लड़की, और उसके बाद में साथियों ए समय सरगम। तो सही आंसर है साथियों इसमें 4। क्या है? सही आंसर है इसमें 4 इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ जो है 84 नंबर का, 84 क्वेश्चन कहते हैं कि जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है बताओ। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है बतलाइए। बड़े दिनों बाद आई है रुखसार, निम्नलिखित जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम क्या है। आवाज आपको कैसी आ रही है एक बार आवाज बता दो, कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा लाउड आ रही हो, या फिर ऐसा आवाज तो नहीं कि आवाज फट रही हो, एक बार बता दीजिए कहीं आवाज वगैरह फट तो आपको नहीं रही है। बतलाइए, ऐसा तो नहीं लग रहा कि आवाज आपको फट रही हो, ऐसा बताइए एक बार। इन दोनों में से एक आंसर है, तो आप ये मत सोचना कि आपसे सर हाइड कीजिए, साइड में हो जाइए, साइड में होने की जरूरत नहीं है, ये एक आंसर है दोनों में से। इसका सही आंसर है साथियों 3 नंबर का। क्या है साथियों? इसमें 3 इसका करेक्ट आंसर है।
मैं बेहद क्षमा चाहता हूं आप लोगों से, इसका आंसर तीन नहीं है, मैं बेहद क्षमा चाहता हूं आपसे, इसका आंसर है साथियों दो, ये वाला इसका आंसर ये है बी। सबसे पहले स्वयंभू, उसके बाद में लुईपा, उसके बाद में पुष्पदत्त और फिर साथियों हेमचंद्र। बी इज द करेक्ट आंसर है, क्या है बी यहां पर करेक्ट आंसर क्या है इसका बी है। ये 2021 का पेपर है जो आज हम क्लास में इसमें पढ़ रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंटों को लगा कि आज क्लास नहीं होगी, तकनीकी समस्या के चलते क्लास हमारी आज हो थोड़ा लेट हो गई। निम्नलिखित काव्य संग्रह का सही अनुक्रम क्या है, एक बार ये भी बतला दीजिए, क्या है सही अनुक्रम निम्नलिखित काव्य संग्रह का, सही से बतला दीजिए। निम्नलिखित काव्य संग्रह का सही अनुक्रम क्या है, इसका सही अनुक्रम है साथियों फोर्थ, सी बी डी ए। सबसे पहले चिंता, फिर है साथियों बी चांद का मुंह टेढ़ा, फिर है डी संसद से सड़क तक, और फिर है साथियों ए उदिता। ये है सही क्रम 85 का। क्वेश्चन नंबर 86, व्याख्या दी गई है आपको, इनमें से सही और गलत का निर्धारण करना है। उम्मीद है अब आपको सही दिख रहा होगा। चलिए नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला है सिगमंड फ्रायड मानते हैं कि कवि मनोरोगी मनोविश्लेषणवाद में बिलीव रखते थे। फ्रायड मानते हैं कि कवि मनोरोगी होता है, कारण है रोगी होता है। अब आपको थोड़ा सा इस पर अच्छी तरीके से सोच विचार करना है और फ्रायड के बारे में सोचना है कि क्या यह बात फ्रायड ने कही है। चलिए देखो यहां पर मनोरोग की बात हो रही है, तो बिल्कुल फ्रायड मानते हैं कि जो व्यक्ति है ना, जो कवि है ना, वो मनोरोगी है। उसके मन में जो भाव है वो उसी अनुसार काम करता है, मनोरोगी है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आधुनिकता का तत्व नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आधुनिकता का तत्व नहीं है। आधुनिकता का तत्व केंद्रीयवाद नहीं है, क्योंकि केंद्रीयवाद से सत्ता एक जगह रहती है, विकेंद्रीकरण से मतलब जो सत्ता का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग जगह जाता है और उससे हम अच्छे से चीजों को मैनेज कर पाते हैं। तो यहां पर साथियों केंद्रीयवाद नहीं है, स्थानीयता विखंडन है और केंद्रीयता विकेंद्रीयता है। तो ये थी साथियों क्लास। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा इस क्लास के माध्यम से ही कि आप लोगों को कमेंट्स आते रहते हैं, उनके लिए मैंने रास्ता साफ कर दिया है। मुझसे डायरेक्ट बात करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, जो है साथियों डॉक्टर लोकेश बालियान एकेडमी। इस टेलीग्राम चैनल पर मुझे मैसेज करो, मुझे कॉल करो, मुझे संदेश करो। आप इस डिस्क्रिप्शन के माध्यम से कोई भी मुझसे हेल्प ले सकते हो, समझ गए। आ जाइए साथियों आगे बढ़ते हैं। 25% का डिस्काउंट ऑफर चल रहा है अनअकैडमी पर, पेपर वन और पेपर टू दोनों की फीस एक साथ ही लगने वाली है। तो ये है हमारा अनअकैडमी का ऐप, इसको करो डाउनलोड फटाफट से, और आपको जैसे ही गेट सब्सक्रिप्शन करोगे प्लस और आइकोनिक दो सब्सक्रिप्शन आपको देखने को मिलेंगे। मैं कहूंगा आप प्लस की तरफ जाइए, इसमें आपको पेपर वन पूरा मिल जाएगा, पेपर टू पूरा मिल जाएगा, दोनों क्लासेज लाइव होने वाली हैं, साथ के साथ आपका पीडीएफ नोट्स, ये तमाम चीजें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हम प्रोवाइड करवाते हैं।